उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नैनीताल शहर से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है यह स्थान भवाली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पॉपकॉर्न ट्रिप की भवाली से जुड़ी जानकारी देते वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे भवाली को थोड़ा और करीब से और जानेंगे भवाली के आसपास के पर्यटक आकर्षणों के बारे में। समुद्र तल से लगभग 1706 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भवाली नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रामगढ़, सात ताल और मुक्तेश्वर जैसे आकर्षक पर्यटक स्थलों के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा शांत पहाड़ी स्टेशन। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई शांति और अत्यधिक आनंद का अनुभव कर सकता है। वर्ष भर यहां का मौसम बेहद सुखद और सुहावना रहता है। भवाली पैनोरामिक दृश्यावलियों समेटे प्रकृति का वरदान है। शांत वातावरण और खुली जगह होने के कारण भवाली कुमाऊं की एक शानदार नगरी है। भवाली की जलवायु अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक है। भवाली में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सीढ़ी नुमा खेत हैं, सर्पीले आकार की सड़कें हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। यहाँ बांज, बुरांस, चीड़ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं और पर्वतीय अंचल में मिलने वाले फलों की मंडी भी यहीं स्थित है। भवाली कई प्रकार के पहाड़ी फलों जैसे सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, पुलम और खुबानी जैसे फलों का विदेशों को निर्यात करने का एक प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा कुछ जिज्ञासु लोग काफल के मौसम में काफल नामक फल खाने और इन फलों को खरीदने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। हल्द्वानी काठगोदाम से अल्मोड़ा, बिनसर, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या गढ़वाल के क्षेत्रों में जाना हो तो भवाली इन रूट्स के बीच में आने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से भवाली पहुंचने के लिए दो ऑप्शन, एक वाया जोलीकोट होते हुए, दूसरा वाया नैनीताल होते हुए। ये दोनों रूट इस भवाली किराए पर आकर मिलते हैं। यहीं से एक रूट नैनीताल के साथ साथ वाया जोलीकोट होते हुए हल्द्वानी को और दूसरा मार्ग भीमताल होते हुए हल्द्वानी को, और यह मार्ग कैंची मंदिर, खैरना और खैरना से आगे होते हुए रानीखेत, अल्मोड़ा आदि को जाता है। यहां से रानीखेत और अल्मोड़ा की यात्रा के वीडियो का लिंक और कैंची मंदिर की जानकारी देते वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये सड़क है भवाली भीमताल मार्ग। इस मार्ग में कुछ दैनिक आवश्यकताओं के सामान से जुड़ी दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स आदि अवेलेबल हैं। ये है यहीं स्थित देवी मंदिर। यहाँ राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी, काली माँ, शिव जी और नंदी जी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर से ही करीब 150-200 मीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड को जाता मार्ग दिखता है जहां से मुक्तेश्वर, थानाचूली, रामगढ़ आदि जाया जा सकता है, और रामगढ़ होते हुए ये मार्ग अल्मोड़ा को भी जाता है जो क्वारब में मिलता है। कुछ स्थानों जैसे मौना, क्वारब आदि की दूरी आप स्क्रीन में दिख रहे बोर्ड में देख सकते हैं। और इसी तिराहे से करीब 60-70 मीटर आगे एक और तिराहा दिख रहा सामने जाता मार्ग घोड़ाखाल के लिए है जहाँ प्रसिद्ध घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर स्थित है जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है और घोड़ाखाल में ही प्रसिद्ध सैनिक स्कूल भी स्थित है। भवाली को अपनी प्राकृतिक खूबसूरती एवं पहाड़ी फल मंडी के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान सपरिवार एक शानदार छुट्टियां बिताने के लिए आदर्श स्थल है। और ये सामने है राइट हैंड साइड को भवाली नैनीताल रोड। भवाली की पहचान यहाँ पर स्थित टीवी सैनिटोरियम से भी होती जिसकी स्थापना सन 1912 में हुई थी। ये सामने है राइट हैंड साइड को भवाली नैनीताल रोड में भवाली स्थित टीवी सैनिटोरियम। चीड़ के वृक्षों की हवा टीवी के रोगियों के लिए लाभदायक बताई जाती है, इसलिए यह सैनिटोरियम चीड़ के जंगलों के मध्य बनाया गया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी श्रीमती कमला नेहरू का इलाज भी इसी अस्पताल में हुआ था। और ये तिराहा जहां से राइट हैंड साइड का मार्ग नैनीताल को जिसकी दूरी यहां से 10 किलोमीटर है और यहीं से लेफ्ट हैंड साइड वाला मार्ग
वाया जोलीकोट होते हुए कारगोदाम व हल्द्वानी को जाता है। नैनीताल आए हुए सैलानी भवाली भी अवश्य आते हैं, क्योंकि यह एक ठंडी जगह है, इसलिए जब भी आप यहाँ आए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं। यहाँ के होटल रिजॉर्ट संबंधी जानकारी के लिए आप वेबसाइट nainitalonline.com में विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। भवाली नगर आकार में भले ही छोटा हो, परंतु उसका महत्व बहुत अधिक है। भवाली के नज़दीक कई ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक स्थल हैं जिनका अपना महत्व है। घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर, विश्व प्रसिद्ध कैची धाम। भवाली ट्रिप का प्लान कई उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु बनाया जा सकता है। एक प्रकृति प्रेमी से लेकर एकांत स्थल के खोजियों के लिए यह पर्वतीय स्थल किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे और यहाँ बहने वाली ठंडी ठंडी हवाएं काफी रिफ्रेशिंग एहसास कराती हैं। हजारों लाखों प्रकृति प्रेमी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। भवाली की दूरी आसपास के कुछ स्थानों से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। भवाली आप देश के किसी भी भाग से आसानी से पहुंच सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम और हवाई अड्डा है पंतनगर। एकांत स्थल के प्रेमी यहां क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। कुछ नया जानने और कुछ नया अनुभव करने के लिए यह एक आदर्श स्थल है। उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो में हमारा किया गया प्रयास पसंद आया होगा। इस चैनल में आप अन्य पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थलों के साथ साथ कुछ सड़क यात्राओं के रोमांचक और रोचक वीडियोस देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और स्थान से जुड़ी जानकारी देते वीडियो या रोड ट्रिप में। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। विदा।